आज आप लोग को बताऊंगा अंडरग्राउंड केबल कैसे डालते हैं। ये 35 जारी केबल है, समय पहले इसको अपन सीधी कर लेंगे। इस तरीके से सीधी कर ली, देखिए कहीं से बल नहीं खाए, बिल्कुल पूरी सीधी होनी चाहिए। उसके बाद ही नाली में डलती है बिल्कुल। और इसके बाद ही अपन ने ये नाली खुदवाई है, इसको देखते हैं। ये देखिए ये 2 फीट गहरी और 2 फीट चौड़ी है, जेसीबी से खुदी थी इसने, इतनी चौड़ी हो चुकी है ये नाली। ये देखिए पास से देखिए, तरीके से अपने इसको खुदवाया था नाली को, जेसीबी से खुदी थी इसलिए इतनी चौड़ी हो चुकी है। देखिए और इस तरीके से अब इसके बाद अपन केबल डालेंगे, इस तरीके खींचेंगे इसको। देखिए बिल्कुल सीधी केबल खींचना चाहिए, कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए केबल, बिल्कुल सीधी डालेंगे बिल्कुल नाली के अंदर अच्छे से, बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से, बिल्कुल सीधी। और इसको पोल तक लेके जाएंगे अपन, पोल तक बिछा देंगे अच्छे से बिल्कुल। ये देखिए इस तरीके से मैं लेके गया, पोल तक बिछा दी। और इसमें मैंने 2 रिंग दी है, एक पोल पे दिया है, राउंड बना के छोड़े ताकि कभी केबल जलती है तो अपन ऊपर खींच लें। और एक MC बोस के दर मैंने इसके राउंड छोड़े हैं रिंग के, ताकि वहाँ भी जले तो ऊपर खींच सकते हैं केबल को। इस तरीके बिल्कुल सीधी होनी चाहिए केबल, देखिए नाली के अंदर बिल्कुल कहीं से मुड़ना नहीं चाहिए। इस तरीके से देखिए पूरी सीधी डालिए। अब इसके बाद जो है अपन इसमें रेत डालेंगे इस तरीके से, देखिए ताकि इस पर गर्म होते ही रेत ठंडी होती है, इस पर नमी बनाई रखे। इस तरीके से इसमें रेत डाली जाती है, ये देखिए रेत जो होती है ठंडी होती है। ये देखिए इस तरीके कि अपन ने पूरे में रेत बिछा ली। इसके बाद ये अपन ने ईंटें लगा जमा दी इसके अंदर बिल्कुल लाइन से, ऐसे इसके अंदर ईंटें जमती हैं, पहले रेत फिर ईंट। इस तरीके से देखिए पूरा इस तरीके से पूरी अपन ने पोल तक इसमें ईंटें लगा दी अपन ने, MCO से लेकर पोल तक। ये देखिए और ये खंभे पर ये रिंग छोड़ा है मैंने खंभे पर, ये देखिए इस तरीके से। और ये मैंने पाइप लगाया GI पाइप पोल के इधर इस तरीके से, और ये कनेक्शन कर दिए इस तरीके से। देखिए 4 तीनों फेज और 1 न्यूटन, ऐसे मैंने